أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو بورڈ صاف نظر آ رہا ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے تو ہم نے چیپٹر نمبر 8 جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے اور چیپٹر نمبر 8 میں ہم نے लास्ट टाइम जो है वो ओपन पाइप के अंदर जो स्टेशनरी वेव्स के मोड्स थे उनको स्टडी किया था। आज हमारा ये ऑनलाइन सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 C1 फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 हमने शुरू किया हुआ है और चैप्टर 8 के अंदर हमने आज पढ़ना है मोड ऑफ वाइब्रेशन। इन क्लोज्ड पाइप के अंदर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उनको लास्ट टाइम हमने जो है वो ओपन पाइप में स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि ओपन पाइप के अंदर जो है वो तमाम हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि N1, 2, 3, 4, 5 ये सारे हार्मोनिक्स जो हैं उसके अंदर होते हैं। लेकिन अब हमने देखना कि अगर क्लोज पाइप हो तो क्लोज पाइप का मतलब यह है कि जो एक रिफ्लेक्टिंग एंड है उसका जो रिफ्लेक्टिंग एंड है वो क्लोज है और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री नहीं है मूव करने में। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं। इसके अंदर मैं फिगर बनाता हूं, आप देखें कि ये हमारे पास पहला मोड है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट मोड है और इसमें आप देखें कि ये नोड है और ये यहाँ पर एंटी नोड है तो इनके दरमियान में डिस्टेंस लैम्डा 1/4 है और इस पूरे पाइप की जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, एल जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है। तो हमारे पास ये पहला मोड है, एक ही मोड बन रहा है और इसमें L जो है हमारे पास वो लैम्डा 1/4 के बराबर है तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 हमारे पास 4L के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास अब फ्रिक्वेंसी जो है वी F1 लैम्डा 1, यहाँ से F1 V ओवर लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 आपके पास कितना है, लैम्डा 1 जो है वो आपके पास 4L के बराबर है, V ओवर 4L। तो व्हाट इज दिस F1 V ओवर 4L, दिस इज द फर्स्ट मोड। ये हमारे पास फर्स्ट आर फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, पहला मोड इन द केस फॉर द क्लोज्ड पाइप, कि जब उसका रिफ्लेक्टिंग एंड जो है पाइप का वो क्लोज है। तो ये हमारे पास पहला मोड निकल आया। ठीक है, अब इसी तरह हमने सेकंड मोड जो है उसको सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको फाइंड करना है। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखें, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है इसकी मैं फिगर बनाता हूं, आप देखें कि ये यहां पर पाइप है और इस पाइप के अंदर आप दो मोड्स इस तरह करके दो मोड्स जो हैं
यहां से ये बन रहे हैं, ये दो मोड्स हैं हमारे पास। तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है इधर से, ये दो नोड्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा 2/2 है, और ये नोड और एंटी नोड है, ठीक है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस इधर से ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा, ये लैम्डा 2/4 होगा। हमें पता है कि नोड्स, कंजक्टिव नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा 2 होता है, और नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लैम्डा 4 होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/4, ठीक है। इसका एलसीएम लें, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा 2/4। तो हमारे पास वी एफ 2 लैम्डा 2 और एफ 2 वी ओवर लैम्डा 2 और एफ 2 हमारे पास वी ओवर 3, यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लें तो लैम्डा 2 की वैल्यू 4L/3 आएगी, तो इधर पुट कर दें 4L/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3V/4L, एफ 2 3×V/4L, तो V/4L किसके बराबर है, V/4L जो है वो F1 के बराबर है फंडामेंटल मोड के, तो ये आ जाएगा F2 3F1। ये हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो निकल आएगा, ठीक है। एक एंड से पाइप जो है वो आपका क्लोज है, रिफ्लेक्टिंग एंड से आपका पाइप जो है वो क्लोज है, तो F2 3F1। आप देखें इसमें 2F1 नहीं आया, 3F1 आया, यानी कि ऑड हार्मोनिक आया। इस केस में तमाम हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इस केस के अंदर सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं इसको नेक्स्ट मोड के लिए, ठीक है जी। हमारे पास जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसकी मैं फिगर बनाता हूं। ये हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब आप देखें कि इधर और इधर डिस्टेंस लैम्डा 3/2 है, इधर और इधर डिस्टेंस भी लैम्डा 3/2 है, लेकिन इधर और डिस्टेंस लैम्डा 3/4 है, ये ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ इसकी आ जाएगी लैम्डा 3/4 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2, तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 2×4 5 लैम्डा 3/4, और यहां से एल की वैल्यू 4L 5λ3/4, ठीक है जी। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल आएगी L लेंथ की वैल्यू, ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी V F3λ3, तो F3V/λ3, तो F3V/λ3, लैम्डा 3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास
यहां से लैम्डा थ्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर एल ओवर फाइव लैम्डा थ्री, तो लैम्डा थ्री की वैल्यू यहां से फोर एल ओवर फाइव, ठीक है, फोर एल ओवर फाइव, लैम्डा थ्री की वैल्यू हमारे पास फोर एल ओवर फाइव के बराबर आ जाएगी। इसको 5 को ऊपर ले जाए, एफ थ्री फाइव वी ओवर फोर एल, और एफ थ्री फाइव इंटू वी ओवर फोर एल, और वी ओवर फोर एल किसके बराबर है, एफ वन के, तो एफ थ्री फाइव एफ वन के बराबर आ जाएगा। अब आप देख लें कि थर्ड मोड के अंदर भी हमारे पास ऑड हार्मोनिक ही आया, तो अब आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसको जनरलाइज करके nth मोड ऑफ वाइब्रेशन तक ले जाएं, तो हम इसको लिखते हैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसके अंदर आप देखें कि अगर f4 को हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा 7f1, f5 को कैलकुलेट करें तो वो आएगा 9f1 एंड सो ऑन एफ एन एन एफ वन, और यहां पर एन वन थ्री फाइव सेवन नाइन अलेवन थर्टीन एंड सो ऑन, इसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हमारे पास आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एफ एन जो है वो इस केस में होगी एन वी ओवर फोर एल, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया कि क्लोज पाइप के केस में हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। रिजल्ट, नंबर वन रिजल्ट, इन केस ऑफ क्लोज्ड पाइप we have only odd harmonics, हमारे पास जो है क्लोज पाइप के केस में सिर्फ odd harmonics होते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमें लिखे हैं वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन। तो दूसरा जो नाम निकालते हैं कि जो पाइप दोनों एंड से ओपन होता है उसके अंदर ज्यादा हार्मोनिक्स होते हैं एज कंपेयर टू द पाइप विच इज क्लोज्ड। सो इन द केस ऑफ ओपन पाइप वी हैव मोर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एज कंपेयर टू द क्लोज पाइप, क्योंकि जो ओपन पाइप है उसके अंदर हमारे पास सारे हार्मोनिक्स होते हैं। ओपन पाइप में हमारे पास एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सारे हार्मोनिक्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्लोज पाइप है, हमने अभी प्रूव करके उसको मैथमेटिकली देख लिया है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ओपन पाइप जो है वो मोड्स के हवाले से ज्यादा रिच होता है एज कंपेयर टू द क्लोज्ड पाइप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है ये हमारा जो स्टेशनरी वेव्स हैं, इनको जितना आपके कोर्स के अंदर था हमने इसको ब्रीफली, यानी कि जो कुछ था उसको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं,
और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अब डॉपलर इफेक्ट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरह स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेशनरी वेव्स के अंदर वो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है। स्टेशनरी वेव में एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर स्टेशनरी वेव, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, डिफाइन नोड एंड एंटी नोड्स। एक ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड प्रूव दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रिंग आर क्वांटाइज्ड, यानी कि आपने वो कैलकुलेट करके दिखानी है फ्रिक्वेंसीज। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा बनेगा हमारे पास क्वेश्चन के डिस्क्राइब स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम्स, एयर कॉलम्स में स्टेशनरी वेव्स को डिस्क्राइब करें। ठीक है, उसमें आप दोनों आपको पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है कि क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप दोनों के लिए जो है वो हार्मोनिक्स निकालें, या वो आपको एक भी दे सकता है कि क्लोज के लिए निकाल दें या ओपन के लिए हार्मोनिक्स जो है वो निकाल दें। तो ये तीन चार किस्म के सवाल जो हैं ये इस आर्टिकल्स में से, स्टेशनरी वेव्स में से बन सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अब आए आप डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर जो एपरेंट चेंज आती है, एपरेंट चेंज का मतलब यह है कि जो चेंज आपको महसूस होती है, ठीक है, वो एपरेंट चेंज जो आपको महसूस होती है साउंड की फ्रीक्वेंसी में रिलेटिव मोशन की वजह से ऑफ आइदर सोर्स और लिसनर, यानी कि रिलेटिव मोशन एक दूसरे के लिहाज से, इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन की वजह से, ये हम डॉपलर इफेक्ट जो है इसको साउंड वेव्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। वैसे डॉपलर इफेक्ट जो है इसको आप लाइट वेव्स के लिए भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कोर्स के अंदर जो है वो हम साउंड वेव्स के लिए इसको डॉपलर इफेक्ट को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है ये आपको ज्यादा या कम सुनाई देनी, यानी कि इसके अंदर चेंज आना सोर्स ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से, इस फेनोमेना को हम डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अगर चेंज हो रिलेटिव मोशन की वजह से तो वो फेनोमेना जो कहलाता है उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, द एपरेंट चेंज, एपरेंट चेंज बरूनी इन द पिच आर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, एपरेंट ये जो है इन द पिच आर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, या साउंड की फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर सोर्स और लिसनर। ठीक है, इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो एपरेंट चेंज वो चेंज के जो आपको महसूस हो जब सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन में हो, यानी कि आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि सोर्स मूव कर रही है और ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो दोनों सूरतों के अंदर
लेकिन रिलेटिव मोशन होनी जो है वो जरूरी है, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान रिलेटिव मोशन हो रही है तो जो पिच ऑफ साउंड है वो पिच ऑफ साउंड या फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जो है उसके अंदर एक अपरेंट चेंज आएगी। तो ये फैक्ट जो था ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉन डॉपलर ने, जब उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है डिस्टेंस स्टार से जो एमिट होती है उसको मद्देनजर रखते हुए इसने ये इफेक्ट जो है इसको ऑब्जर्व किया। दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय जॉन डॉपलर। While he was observing the light of distant stars, ये जो stars होते हैं इनके अंदर से light निकलती है, ठीक है, सूरज की रोशनी है जितनी रोशनियां इनके ऊपर पड़ रही होती हैं वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो आपको स्टार्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो जॉन डॉपलर जो है इसने पहली दफ़ा इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जब वो लाइट जो निकल रही थी डिस्टेंस स्टार से उनको ऑब्जर्व करता है। मैंने शुरू में आपको ये बात बताई है कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो लाइट और साउंड वेव दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो इसको स्टडी कर रहे हैं इन द केस ऑफ साउंड वेव, लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है वो लाइट का भी देना बनता है। तो इन सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है जो इमिट होती है किसी स्टार में से तो वो स्लाइटली सी डिफरेंट होती है सिमिलर उस सोर्स से कि जो अर्थ पे मौजूद है। तो उसने ये फाइंड किया कि ये जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है ये डिपेंड कर रही है रिलेटिव मोशन ऑफ स्टार एंड अर्थ, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन हो रही है स्टार और अर्थ के दरमियान, इस वजह से जो स्टार से लाइट अमिट हो रही है और जो अर्थ पे सेम सोर्स से लाइट अमिट हो रही है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस जो है वो रिलेटिव मोशन की वजह से आ रहा है, ठीक है जी। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट अमिटेड, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट हमारे पास एमिट हो रही है फ्रॉम ए स्टार फाउंड टू बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट emitted from a similar source on the earth। तो ये he found that this change in frequency depends upon the relative motion of star and earth। ठीक है,
तो स्टार और अर्थ की जो रिलेटिव मोशन है उसकी वजह से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एक स्टार से लाइट एमिट हो रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व किया और सिमिलर सोर्स को लेकर अर्थ के ऊपर जो है उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर किया गया, लेकिन दोनों की फ्रिक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस था। वो डिफरेंस इस वजह से था क्योंकि स्टार और अर्थ के दरमियान में रिलेटिव मोशन है, और जब स्टार और अर्थ के दरमियान में रिलेटिव मोशन है तो फिर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट थी, ठीक है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंस जो है वो महसूस हुआ। ठीक है जी, तो ये लाइट वेव्स के लिए बात होगी। अब हम बात करते हैं इसकी, एक एग्जांपल लेते हैं साउंड वेव्स के लिए। एग्जांपल फॉर साउंड वेव्स, सपोज करें कि एक पर्सन जो है वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है, वो एक रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा है, एक पर्सन रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ा है, तो ट्रेन जो है वो विसल देती है, ठीक है, हॉर्न बजाती है अपना, और ट्रेन जो है वो मूव करती हुई, वो हॉर्न बजा रही है और मूव करती हुई वो जो पर्सन खड़ा है रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है उसकी तरफ बढ़ रही है। अब ट्रेन जब हॉर्न बजाती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है तो वो जो पर्सन स्टेशन पे खड़ा है उसको जो पिच ऑफ साउंड है वो ऊंची सुनाई देगी, यानी कि वो स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स क्या है, ट्रेन है, और सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो जब फोर्स जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर को साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है या जो पिच है वो ज्यादा सुनाई दे रही है। अब वो ट्रेन उस पर्सन के पास आती है और उस पर्सन के पास आने के बाद उस पर्सन से अवे मूव करना शुरू कर देती है। अब वो जब दूर जाना शुरू करेगी तो अब वो जो पर्सन है उसको आवाज जो है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो कम सुनाई देगी। तो इसका मतलब है कि ये फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आ रही है ये रिलेटिव मोशन की वजह से आ रही है। जब ट्रेन वो जो स्टेशनरी खड़ा था बंदा प्लेटफार्म के ऊपर उसकी तरफ अप्रोच कर रही थी, ठीक है, तो उस वक्त ट्रेन ऑब्जर्वर के पास आ रही थी तो ऑब्जर्वर को जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही, लेकिन जब उसे अवे परे मूव कर गई उससे दूर चली गई तो उसको जो वो आवाज थी वो कम सुनाई देना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो गई। ठीक है जी, तो सपोज ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेट फॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, द ट्रेन साउंड इट्स हॉर्न एंड मूव्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी पर्सन, स्टेशनरी पर्सन की तरफ मूव करती है, द पर्सन विल हर्ड हायर पिच ऑफ हॉर्न व्हेन ट्रेन
इज अप्रोचिंग द पर्सन। ठीक है, जब ट्रेन उसकी तरफ अप्रोच कर रही है तो उसको ऊंची पिच सुनाई देगी, लेकिन जब ट्रेन उससे मूव अवे करेगी तो पिच बिकम्स लोअर। बट व्हेन ट्रेन मूव अवे फ्रॉम द पर्सन द पिच ऑफ ट्रेन हॉर्न विल बी लोअर, तो वो काम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि रिलेटिव मोशन की वजह से, ये जो रिलेटिव मोशन हो रही है इसकी वजह से जो पर्सन स्टैंडिंग है, जो स्टेशनरी खड़ा है, उसको एक दफा आवाज ऊंची सुनाई देगी जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी, और जब ट्रेन उससे परे मूव चली जाएगी, उससे दूर चली जाएगी, तो उसको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी। तो ये रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड या पिच है उसके अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कल फिर हम जो है ये कुछ केसेस स्टडी करेंगे कि व्हेन द ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर स्टेशनरी, फिर हम देखेंगे जब ऑब्जर्वर और सोर्स मूव कर रहे हैं, सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, फिर हम दो केसेस देखेंगे कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा और सोर्स जो है वो मूव कर रही होगी, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो है वो देखेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।